हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एजुकेशन गैलेक्सी में। आज अपन करने वाले हैं इंग्लिश 100 मार्क्स का जो है टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो ये जितने भी क्वेश्चन है सभी VVI क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से इसे याद कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, और आप लोग चाहते हैं तो टेस्ट भी लगा सकते हैं, आपको 50 में से आप लोग देख सकते हैं आपको कितना मार्क्स आ रहा है, आपका स्टडी जो है किस प्रकार का है। आप लोग टेस्ट भी लगाना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश। तो राइट आंसर जो ऑप्शन में बी इमोवेबल। तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमोवेबल, यानी भारत की जो सुंदरता है वो क्या है, इमोवेबल है, अटल है। और आप लोग इसे इमोवेबल का स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, आप सभी का स्पेलिंग किस तरह लिखा जाता है, आपको स्पेलिंग यहाँ से पूछा जाता है। तो इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमोवेबल, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय डैश। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको अच्छी तरह से याद रखना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है ये महात्मा गांधी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। और महात्मा गांधी का जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हैं। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और 30 जनवरी 1948 में महात्मा जी गांधी का मृत्यु हुआ था। इतना चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी, बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, डैश वेयर सेटिस्फाई विथ स्मॉल विलेज। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी आवर इंस्ट्रक्टर। तो डैश वेयर सेटिस्फाई विथ स्मॉल विलेज, यानी कौन संतुष्ट थे हमारे छोटे गांव से, तो आवर इंस्ट्रक्टर, हमारे पूर्वजों, बढ़ते हैं आगे। ये जितने भी क्वेश्चन करा हूँ सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उचित तरह से इसे याद कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयलिटी टू द डैश। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयलिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है शपथ लेते हैं निष्ठा से, किस चीज़ का, तो कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी संविधान का। आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग CONSTITUTION, ठीक है। यहाँ से आपको स्पेलिंग भी यहाँ से आपको करेक्ट हो जाएगा, बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मनोहर माल गानकर, यानी कौन गए थे मिनिस्टर से मिलने के लिए जोधपुर कोर्ट, तो मनोहर माल गानकर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनोहर माल गानकर। तो डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, तो मनोहर माल गानकर, बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा, सिक्का ऑटो डीलर्स, ठीक है। तो कहता है, नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, तो सिक्का ऑटो डीलर्स, यानी नानू काका जो थे वो गए थे कौन से ऑटो डीलर से, तो सिक्का ऑटो डीलर्स से नानू काका गए थे, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए सिक्का ऑटो डीलर्स। तो नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, तो सिक्का ऑटो डीलर्स, बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जेआर, यानी जूनियर। तो आई हैव ए ड्रीम जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है, बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज ए ग्रेट डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी नेशनलिस्ट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान थे नेशनलिस्ट, यानी राष्ट्रवादी, ठीक है। आपको लीडर में आपको टिक नहीं करना है, आपको ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन को चूज करना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, फायर हम इज रिटन बाय डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी KKN दारूबाला। तो फायर हम के जो है लेखक कौन है, तो KKN दारूबाला जो है वो फायर हम के लेखक हैं, राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी KKN दारूबाला, बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, KKN दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजन।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए पर्सी बाय रिलीजन, यानी कि केन दारूवाला जो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो पर्सी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पर्सी। ठीक है, तो केन दारूवाला वाज ए पर्सी बाय रिलीजन। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन में 11 कहता है मैकेविटी इज ए डैश, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैट। तो मैकेविटी इज ए कैट। अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू डैश, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन। तो जो कवि हैं वो कंपेयर करते हैं मैकेविटी को और किससे, तो नेपोलियन से। तो द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू नेपोलियन। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी डेथ। तो द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ दिस डेथ। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, यहाँ पर स्पीकर जो है आपको डायरेक्ट पूछा भी जाता है, स्पीकर जो है किसे कहा जाता है, तो सोल्जर को स्पीकर कहा जाता है, ये भी आपको चित्र से याद रखना है। तो द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। बढ़ते हैं आगे। यानी जो है स्पीकर यानी जो सोल्जर जो होते हैं वो भयभीत नहीं होते किसी से, डेथ से। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द लिप्स आर डैश फॉलिंग डैश, तो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये डायरेक्ट आपको एक पंक्ति मिलेगा, तो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फास्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 कहता है जॉन किट्स इज ए डैश पोएट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोमांटिक पोएट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जॉन किट्स इज ए डैश पोएट, तो रोमांटिक पोएट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द पोएट जॉन डोने इज बेटर देन द डैश, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी सन। तो जॉन डोने जो है वो किससे बेटर है, तो सन से बेटर है। तो द पोएट जॉन डोने इज बेटर देन द सन। अब क्वेश्चन में 17 कहता है पियर एस बक इज एन डैश राइटर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन राइटर। तो पियर एस बक जो है वो कौन से राइटर है, तो अमेरिकन राइटर है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जॉनसन वाज द पोजीशन ऑफ डैश लेन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 एकड़ लेन। तो जॉनसन जो है वो कितने एकड़ का मालिक था, तो 4 एकड़ का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 एकड़। अब क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ही लिप्स द बेड डैश 4 o'clock, सॉरी ही लिप्स द बेड डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिला दिए हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो द ही लिप्स द बेड डैश 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एट। अब देखो यहाँ पर क्या है 5 o'clock, तो आपको एग्जाम में क्या चूज करना, अगर 5 o'clock है या 4 o'clock है, तो उससे पहले जो करेक्ट जो प्रीपोजिशन जो चूज होगा वो एट का ही यूज होगा। ठीक है, तो ही लिप्स द बेड यानी वह बिस्तर को छोड़ता है एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी सुबह के 5 बजे। बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द बुक इज दैट द टेबल, तो राइट आंसर जो ऑप्शन में सी ऑन द टेबल, तो द बुक इज दैट द टेबल, तो ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ही हैज बीन हेयर डैश मंडे लास्ट, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सिंस मंडे लास्ट। तो ही हैज बीन हेयर सिंस मंडे लास्ट, अब देखो यहाँ पर मंडे लास्ट है। ठीक है, तो मंडे संडे कुछ भी हो आपको, तो आपको क्या करना है, उससे पहले सिंस का यूज करना है। तो ही हैज बीन हेयर सिंस मंडे लास्ट। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पिक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी द हाईएस्ट पिक। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पिक, तो आपको पहले भी बता चुके हैं हाईएस्ट कैसे होता है, HIGHEST होता है, तो जिसके अंत में EST लगा रहे उससे पहले द का यूज करना है। और हाईएस्ट जो है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। इस तरह भी आपको किसी तरह आप लोग समझ के अच्छी तरह से चूज करना है, सिर्फ आपको ये भी याद रखेंगे EST जिसके अंत वर्ड वर्ड में लगा रहेगा उससे पहले क्या लगेगा, द का यूज होगा। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हैड डाइड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द पेशेंट
हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो देखो आपको सबसे अच्छी बात है इसमें, देखो समझना कैसे क्या, इधर द डॉक्टर केम यानी जो है, इधर जो है सेकेंड सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस वी टू है, और इधर जब भी एक साइड अगर आपको सब्जेक्ट प्लस वी टू मिल जाए तो आपको सेकेंड साइड जो इस साइड जो है इधर आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री यूज़ करना है, ये आपको याद रखना है। आपको यहाँ से फिक्स है, आपको एक मार्क्स मिलेगा ठीक है। एक तब अगर सब्जेक्ट प्लस वी टू मिलता है तो एक तब क्या करना है, यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम ठीक है। तो आपको इस तरह सेंटेंस आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना चूज़ करना है, तो हैड प्लस वी थ्री, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बढ़ते हैं आगे, अब एक क्वेश्चन में 24 कहता है आर यू रीडिंग ए बुक, इसका जो है पेसिव वॉइस आपको बनाना है। तो आर यू रीडिंग ए बुक का पेसिव जो वॉइस होगा वो क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी इज ए बुक बीइंग रीड बाय यू। आपको एग्जाम इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, आपको सिंपल वॉइस वाला क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, इस टाइप का देगा ताकि बहुत बच्चे क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे, लेकिन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसमें कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको ये देखना है ये क्वेश्चन क्या है आर से, यानी ये क्वेश्चन वाला ये जो है वॉइस इसका बनाना है। तो क्वेश्चन वाला वॉइस जब भी बनाएंगे तो क्वेश्चन से ही आंसर देना है, तो ये यहाँ से आपको तीनों आंसर बचता है, ऑप्शन नंबर ए तो डायरेक्ट यहाँ से गलत हो चुका है, बचता है यहाँ पर तीन आंसर यहाँ पर बच रहा है ठीक है। अब सब्जेक्ट देखना यू है, ऑब्जेक्ट क्या ए बुक है, तो ए बुक से ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए बुक लगेगा, तो सभी जगह ए बुक लग गया। अब देखो यहाँ पर जो है ये आर यू रीडिंग ए बुक जो है ये क्या है प्रेजेंट टेंस में, तो वॉइस भी क्या बनेगा प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, तो इसके लिए क्या लगेगा ए बुक के लिए वर्ब जो होगा यूज वो क्या होगा इज होगा, तो इज ए बुक। अब देखो यहाँ पर रीडिंग यानी वी फोर का यूज है तो क्या लगेगा बींग का लगेगा, तो यहाँ पर बींग हो गया। अब रीडिंग है यानी वी फोर है उसको वी थ्री क्या होगा, रीड का वी थ्री रीड ही होता है तो रीड हो गया। और उसके बाद पेसिव वॉइस जब भी बनाते हैं तो बाय लगता है तो बाय लग गया, जो सब्जेक्ट यहाँ पर यू था यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू हो गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी इज ए बुक बींग रीड बाय यू। बढ़ते हैं आगे, अब क्वेश्चन नंबर 25 कहता है इन टाइम इसका जो फ्रेज होगा वो क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन में सी नॉट लेट यानी इन टाइम नॉट लेट। अब वो फ्रेज इस सीक्वेंस में याद होना चाहिए इन टाइम नॉट लेट यानी समय पर और समय से मतलब लेट नहीं हुआ, तो इन टाइम नॉट लेट। अब एक क्वेश्चन नंबर 26 कहता है डैश वे सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज, तो ये पहले भी क्वेश्चन था, तो आवर इंस्ट्रक्टर्स। बढ़ते हैं आगे, अब एक क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एन एपिताप इज रिटन बाय डैश, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी वाल्टर डीला मेरे, तो एनी एपिताप जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्टर डीला मेरे के द्वारा लिखा गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द पोएट थिंग्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, तो ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग, राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी ब्यूटी। द पोएट थिंग्स यानी कभी जो है सोचते हैं कि डैश इज नॉट एवर लास्टिंग, तो ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे, बहुत बड़ा नहीं वीडियो बनेगा। अब द पोयम डैश इज ए सोनेट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द सोल्जर, तो द सोल्जर इज ए सोनेट, द पोयम डैश इज सोनेट, तो द सोल्जर इज ए सोनेट। अब क्वेश्चन नंबर 30 करता है मैकेबिटी मूव्स लाइक ए डैश, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए स्नेक, तो मैकेबिटी मूव्स लाइक ए स्नेक। क्वेश्चन नंबर 31 करता है द सोल्जर इज ए डैश पोयम, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा वार पोयम, तो द सोल्जर इज ए डैश पोयम, तो वार पोयम। अब क्वेश्चन नंबर 32 करता है द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज डैश इज बिलव, तो सैड फॉर बिलव, राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी सैड फॉर बिलव, तो द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज डैश हिज बिलव, तो सैड फॉर हिज बिलव। अब एक क्वेश्चन में 33 कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय डैश, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वॉल्ट व्हिटमैन, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन में 34 कहता है वॉल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 37 ईयर्स ओल्ड, तो वॉल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, तो 37 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन में 35 कहता है डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू डैट वे, तो
तो व्हाइट वाटरफॉल, आपको इतना सिंपल सा याद रखना है, वाटरफॉल है उससे पहले क्या लगेगा, व्हाइट, तो व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग दैट, सॉरी पासिंग थ्रू दैट वे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द प्रम्स आर डैश, तो द प्रम्स आर, सॉरी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रॉलिंग, तो द प्रम्स आर रॉलिंग। आपको इस सीक्वेंस में अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्वेश्चन देखिए और आंसर फटाक से आपको याद रहना चाहिए। द डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, तो द नाइटिंगल, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द नाइटिंगल, तो द नाइटिंगल हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है डैश से दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, तो ये आप लोग जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, डैश सेड दैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कौन कहे थे कि भारत जो है मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है मेरे परिवार है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है, पूरी तरह से इसे याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1967, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बनते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन भारत के राष्ट्रपति, कब बनते हैं तो 1967 में। अब एक क्वेश्चन में 40 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरीड स्पीच इन डैश, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1967, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरीड स्पीच इन 1967। क्वेश्चन में 41 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1897 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी 1897, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बॉर्न इन 1897। बढ़ते हैं आगे, अब एक क्वेश्चन में 42 कहता है डॉक्टर सॉरी गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1917, गांधी जी जो है वो चंपारण गए थे कब, 1917 में, इंपॉर्टेंट है आपको चित्र से याद रखना है गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। अब एक क्वेश्चन नंबर 43 कहता है द अर्थ इज रिटन बाय डैश, तो द अर्थ इज रिटन बाय एच ई वेट्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी एच ई वेट्स, द अर्थ इज रिटन बाय एच ई वेट्स। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ डैश, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी 14 ईयर्स, तो 14 के एज में जो है वो बेंजे लेफ्ट करता है स्कूल, यानी स्कूल को छोड़ता है, तो बेंजे लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है द अर्थ इज ए डैश, तो द अर्थ इज ए स्टोरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी स्टोरी, इंपॉर्टेंट है आपको चित्र से याद रखना है द अर्थ इज ए स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है आर के नारायण हैज रिटन बाय डैश, तो आर के नारायण हैज रिटन बाय द गाइड, राइट आंसर होगा ऑप्शन में बी द गाइड, तो आर के नारायण हैज रिटन बाय द गाइड। क्वेश्चन में 47 कहता है डोंट क्राई डैश स्पिल्ड मिल्क, तो ओवर स्पिल्ड मिल्क, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओवर स्पिल्ड मिल्क, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब देखो कोई अगर दूध फेंकता है तो क्या करता है, चिल्लाता है, तो कहता है डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब एक क्वेश्चन नंबर 48 कहता है द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल, तो इसमें जो होगा एग, अब देखो एग कैसे होता है, तो पहले भी बता चुके हैं एग, तो क्या होगा एन एग होगा, तो आपको जब भी अ और ए यानी स्वर में क्या लगता है एन लगेगा, वोवेल में आपको ए लगाना है, ठीक है, यानी कॉन्स्टेंट में जो होता है व्यंजक जो होता है उसमें क्या लगाना है ए लगाना है, और वोवेल यानी जो स्वर होता है उसमें ए एन लगाना है, ठीक है, तो आपको प्रदर्शन करने के बाद ये आपको देखना है, ठीक है, तो एग में क्या होगा एग ए होता है, एग हुआ अंत ए और ओ, जैसे ए से दुर्गा ऐसे होता है, ओ आ से दुर्गा, इसमें क्या लगता है एन लगता है, इतना आपको अच्छी तरह से याद रखना है, आप लोग एग्जाम में करेक्ट आंसर चूज करके आएंगे, तो द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट। अब एक क्वेश्चन में 49 कहता है दे डैश हेयर सिंस 2005, अब जैसे ही आप लोग देखिए 2005 मिल रहा है, ठीक है, 2005 सिंस 2005 या 2010 कुछ भी यहाँ पर आपको मिल सकता है, ये नहीं है कि 2005 ही आपको एग्जाम में देगा, तो आपको कुछ भी मिल सकता है, तो आपको क्या करना है जब भी आपको सिंस, उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है किस टाइप का ऑप्शन दिया गया है, अगर सारे सेंटेंस का अगर सारे ऑप्शन अगर प्रेजेंट में मिला, यहाँ पर क्या है प्रेजेंट में मिल रहा है, या आपको वहाँ पर आपको पास्ट में भी दे सकता है लेकिन प्रेजेंट में ही आपको मिलता है, ठीक है, तो प्रेजेंट में दे रहा है तो जो आंसर होगा वो किस में बनेगा, फोर्थ वाला बनता है, यानी प्रेजेंट का फोर्थ क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर ये बनेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैव बीन लिविंग,
तो दे हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2005। ठीक है, जैसे ही आप लोग 2005 देखें तो आपको जान जाना है, आपको ऑप्शन देखना है, और ऑप्शन से आपको देखना है कि ये सारे ऑप्शन किस टेंस में जा रहा है, उसके बाद आपको चूज करना है। ठीक है, तो दे हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2005। अब ये क्वेश्चन नंबर 50 कहता है सी कैन विन द प्राइज, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। इसका जो है करेक्ट पेसिव वॉइस चूज करना है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, द प्राइज कैन बी वन बाय हर। अब देखो इसमें कैसे हुआ, तो सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी है, ऑब्जेक्ट है द प्राइज, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द प्राइज होगा। अब यहाँ पर कैन है, कैन कुड मे माइट जो होता है उसके बाद क्या लगता है, बी लगता है पेसिव वॉइस बनाने में, तो क्या हो गया, कैन बी हो गया। यहाँ पर क्या है, विन है, तो विन का वित्री क्या होता है, वन होता है, तो वन हो गया। और जब भी पेसिव वॉइस बनता है तो उसमें बाय लगता है, तो यहाँ पर बाय लग गया। और जो यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, यहाँ पर हो गया हर, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में सी, द प्राइज कैन बी वन बाय हर। आई होप आप लोग को पूरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोग पूरा इंग्लिश 100 मार्क्स का चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं देखें, तो आप लोग चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।